अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन सहर आमिर के साथ शहर रमज़ान जियो टेलीविजन नेटवर्क एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारी ट्रांसमिशन शेर खुदा हैदर कर्रार मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की ज़िक्र से, उनके मनाक़िब, उनके फ़ज़ाइल। और नाज़रीन इकराम, ये तो इतना बड़ा ज़िक्र है कि इसकी इब्तिदा की भी कोई हद नहीं है और इंतहा की भी कोई हद नहीं है, इसलिए कि ये लामहदूद के महबूब का ज़िक्र है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इसकी इब्तिदा कहाँ से करें और इसकी इंतहा कहाँ करें, और हम तो ख़ुद ना अपनी इब्तिदा जाने ना इंतहा जाने। लिहाजा इन अजीम हस्तियों के ज़िक्र की ना कोई इब्तिदा होती है ना कोई इंतहा होती है। काबे में जिनकी विलादत हुई हो और मस्जिद में जिनकी शहादत हुई हो, इससे बढ़कर नाज़रीन इकराम तारीफ़ के लिए और भी अल्फाज जितने हम इस्तेमाल कर लें या जुमले, शायद मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की शान अक़दस की तकरीम और ताज़ीम का हक़ अदा नहीं कर सकते। बस काबे में पैदा हुए, मस्जिद में शहीद हो गए, इससे बढ़कर ईमान की और क्या अलामत होगी। लेकिन जिस बदबख्त ने कत्ल किया वो ख़ुद अपनी ईमान की अलामतों से महरूम रहा, और उसने कायनात के बेहतरीन इंसान को ऐन हालत नमाज में शहीद कर दिया। आज उन्हीं की शहादत, उन्हीं का ज़िक्र। और हमारे साथ जो रोशन सितारे यहाँ पर बैठे हुए हैं नाज़रीन इकराम, जो नात का नजराना भी पेश करेंगे और मनकबत की गहराइयों में भी उतरेंगे, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ास तौर पर दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, बड़े मुमताज़ मनकबत ख्वाह हैं, नात ख्वाह हैं, रसूल और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के ग़ुलाम हैं, पूरी दुनिया में इसी हवाले से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। और हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी गुजारिश पर आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मीर हसन मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ, आप इनको रोज़ाना ही देखते हैं और सुनते हैं। आलम इस्लाम के एक और मुमताज़ सनख्वा हमारे आपके सबके बहुत ही प्यारे अहमद रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों शख्सियात को एक मरतबा फिर मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, और आप तशरीफ़ लाए हैं। और नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई से, जो हमारे मेहमान भी हैं, क्योंकि ये तो अब मेज़बान बन चुके हैं लेकिन ये मेहमान हैं और ये ख़ास तौर पर आए हैं, तो इब्तिदा इन्हीं से करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तमाम फर्जंदान तौहीद और आशिकान विलायत की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और आज के इस दिन की मुनासबत से तोहफ़ा या अली मदद पेश करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ समीम कल्ब से जियो टेलीविज़न का और बरदर अज़ीज़ जनाब डॉक्टर आमिर लाकत साहब का कि उन्होंने ज़िक्र अली की इस बज़ में मुझे खिदमत का मौका इनायत फरमाया। मालिक आपके तौफीकात में इजाफा फरमाएं। आमीन। सबसे पहले अपनी तरफ से मिल्लत जाफ़िया की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को सरकार अमीर मोमिनीन की शहादत पर और उनके फर्जंद वक्त के इमाम की खिदमत में हदिया ताज़ियत और पुरसा पेश करता हूँ। इंतहाई लायक तहसीन हैं बरादर अज़ीज़ जनाब आमिर लाकत साहब और उनके तमाम यतीम हैं जो सरकार के फरमान के मुताबिक अमल पैरा हैं, जिसमें सरकार ने फरमाया कि अपनी महफिलों को जीनत दो ज़िक्र अली अपने अबी तालिब से, और अली का ज़िक्र इबादत है। सरकार मालिक आपकी दर्जात में इजाफ़ा फरमाएँ, आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। एक नात से नात व मनकबे से आगाज़ कलाम करना चाहूँगा। समीम कल्ब से मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात मुक़द्दसा के ऊपर सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला بسم الله يا محمد سبحان يا محمد جزاك الله سبحان الله يا सुभान अल्लाह या
کہنے ہیں. سبحان اللہ. یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی عزت آپ نے پائی کے بس. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا کہنے. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی بس کی شب اسرا اسرا خدا پذیرائی کے بس. سبحان اللہ سبحان سبحان. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یا محمد شیر قابل غور ہے. ارشاد کے ایک پل میں مصطفیٰ عرش پر بلوا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پل میں مصطفیٰ عرش پر بلوا لیا. ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. یا محمد شیر حاضر کر رہا ہوں جی. کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ہائے ہائے کیا کہنے کیا تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ اتنے شہدائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. یا محمد اور دیکھ اب بھی وقت ہے. ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام. اب بھی وقت اب بھی وقت. دیکھ اب بھی وقت اب بھی وقت ہے اب بھی وقت. دامن نبی کا تھام لے ارے ورنہ کل محشر ایسی رسوائی کے بس. ہائے ہائے ایسی رسوائی بس. سبحان اللہ سبحان. یا محمد سرکار یہاں سے منقبت کے دو شعر کیونکہ آج کی شب منصوبے میرے مولا سے تو دو اشعار حاضر کر رہا ہوں نعت کے ساتھ ملا کر. اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. امر بھائی شیر فرمائیے. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. ارے کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا
क्या कहने, क्या कहने। अली को भी नींद आई, अली को भी नींद आई, क्या कहने, क्या कहने, वाह क्या कहने, क्या कहने, वही तो नींद आई है बस उन्हें, वही तो नींद आई है। मंतबत का एक और शेर आगे कर रहा हूँ कि काट कर मरहब को जब आए हाय हाय आए हाय पहुंची जमीन पर ज़ुल्फ़िकार सुभान अल्लाह काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन पर ज़ुल्फ़िकार जिब्रील से फौरन सदा आई के बस के बस हाय 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 क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने सुभान मोहम्मद सुभान मक्ते का शेर आगे कर रहा हूं के उन फरिश्तों ने अभी तमाम तमाम आशिकीन नबी की नजर कर रहा हूं उन फरिश्तों ने अभी पूछा कि क्या था ऐसा सुन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐसा रोश के दफ़तन मेरे सुरहाने से सदा आए के बस आए हाय 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 वाह वाह या मोहम्मद या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान जज़ाक अहमद भाई हमारे पास चार मिनट अभी और हैं तो कुछ आपसे आगाज़ करें माशाल्लाह भाई मेरे हवाले से कुछ आप फरमाएंगी मेरी तारीफ तो छोड़िए आप मौला के बारे में कुछ फरमाइए अमीर भाई मैं जैसे ये कहना चाहूँगी कि मौला अली वो इमाम जो सर खा के कह रहे हैं कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए जी सही बहुत शुक्रिया मेरी बहन माशाल्लाह आपने कॉल की और मीर हसन साहब फिर इब्तिदा कीजिए क्योंकि हमारे पास बड़ा महदूद वक्त है डॉक्टर साहब फजाइल के मनकबत मौला अमीर मोमिनीन की शान में तीन चार अशआर हाजिर करता हूँ खुदा लानत करे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पर समीम कल्ब से दिल की गहराइयों से मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलावत पढ़ लीजिए पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व ला हमहुम न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो नबी का जिक्र करो बस अली की बात करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न भूल कर कभी तुम किसी की बात करो किसी का नफ्स किसी का बसी किसी का कफी अल्लाह 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 किसी का नफ्स किसी का वसीम किसी का कफील क्या कहने क्या कहने अरे ये सब सिफात ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो क्या कहने क्या कहने क्या कहने
کیا بات اور نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر سب سے آپ کا پروگرام بھی یہ عشق کے حوالے سے ہے تو میں آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں تمام عاشقوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہے وقت نظر کا بالی پائے ہیں مولا آئے ہائے 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 علی مولا بزرگ تو بہتر جانتے ہیں بچوں کے لیے نظر کا وقت یعنی آخر وقت ہوتا ہے وہ میں شیئر حاضر کر رہا ہوں ہے وقت نظر کا کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کہاں کی موت کیا سچ بات کیا سچ بات بس اب زندگی کی بات کرو اور نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر شیر ایک اور قابل غور شیر تمام فرمائیے ارشاد کہ لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے کیا بات ہے کیا یقین کیا یقین ہے لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے ہر جہاں علی ہوں وہاں روشنی کیا بات سبحان سبحان کیا بات کیا بات نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر آخری شعر میں بہت حاضر کر رہا ہوں کہ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں شعر سماعت فرمائیے تمام عاشقین ولایت کی نظر کر رہا ہوں کہ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں ارے ابا گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو سبحان سبحان اور نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو میر حسن میر صاحب ہم سب آپ کو سننا چاہتے ہیں سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس وقت پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے تو سحر میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ اب بھی ہیں بسم اللہ کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج روز شہادت امیر المومنین ہے تو میں آغاز کلام ایک سلام بطور پرسہ جناب حسنین اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا دل کی گہرائیوں سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی
अल्लाह के घर से अफलाक में एक शोर है, मातम के असर से अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा, अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा, कुछ कम नहीं ये हश्र कयामत के असर से निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से। जैनब से ये कह दो कि वो दिल खोल के रोए, जैनब से ये कह दो कि वो दिल खोल के रोए, अरे शबीर की हम शीर है रोने को न तरसे, और अब्बास जरा ज़ैनबे मुज़तर से खबरदार, अब्बास जरा ज़ैनबे तर से खबरदार, अरे फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, और खाम भूल न जाना इन्हें कूफे के मकीनों, गुजरेंगी ये शहजादियाँ इस राह गुजर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह।